गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हो बेटा? बढ़िया। देखो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे स्थानांतरण कृषि। उससे पहले हम कृषि के विषय में चर्चा कर चुके हैं, कृषि के वर्गीकरण के बारे में क्या कर चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं, जान चुके हैं। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं, स्थानांतरण कृषि की चर्चा हमने उस टाइम में करी कि स्थानांतरण कृषि होती क्या है, वो चर्चा की। सारी कृषियाँ पढ़ी थी, चैप्टर वही है, अध्याय 8वां है, टॉपिक कौन सा चल रहा है, कृषि चल रही है, ठीक है ना, कोई दिक्कत? वही जो चैप्टर है इसकी क्या है, सारी कृषि के बारे में हम क्या पढ़ेंगे, विस्तृत पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। और डिटेल में पढ़ने के साथ साथ ये क्या है, हम इनके क्षेत्र वगैरह भी जो है चर्चा भी करने जा रहे हैं। स्थानांतरण कृषि की, स्थानांतरण कृषि का मैंने आपको बताया था कि स्थान चेंज करना क्या है, स्थान चेंज करना मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो कैसे, देखो आदिम काल में क्या था कि वहीं श्रीलंका
नाम से क्या है विश्व में इसको विशेष भाव करते हैं, विशेष नामों से क्या कहते हैं जाना, विशेष क्षेत्रों में क्या है विशेष नामों से क्या कहते हैं जाना। श्रीलंका कोई दिक्कत है देखो किसी क्षेत्र भारत मध्य अमेरिका मैक्सिको मलेशिया इंडोनेशिया वियतनाम श्रीलंका। भारत के उत्तरी पूर्व भाग में झुंझुनू के नाम से जाना जाता है। राजस्थान दक्षिण भाग की बात करूं तो बालरा किसी और मध्य अमेरिका और मैक्सिको की बात करें तो मिल्पा और मलेशिया इंडोनेशिया की बात करूं तो लदान और वियतनाम की बात करूं तो रे और श्रीलंका की बात करूं तो चेन्नई के नाम से जाना जाता है स्थानांतरित कृषि। क्लियर ठीक। इसके बाद दो भाग एक स्थायी कृषि एक जीवन स्थायी कृषि। स्थानांतरित कृषि ने धीरे 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 क्या ले लिया स्थायी रूप, उसे किस नाम से जाना जाता है स्थायी मतलब मानव एक स्थान पर स्थायी रूप करके एक स्थान पर स्थायी रूप करके और कृषि कर रहा है उसे क्या कहते हैं। तो मानव कैसे स्थायी हुआ, मानव का स्थायी हुआ था कि जो कृषि कर रहा था उसने क्या देखा तो जम वगैरह के स्रोत देखे और उनके समीप जाकर के उसने अपने घर बना दिए अधिवास बना दिए। अभी कहते हैं अधिवास में जब पढ़ा था कि एग्रीकल्चर क्या है देन है अधिवासों की। जब मानव स्थायी हुआ तो उसको आवश्यकता पड़ी क्योंकि घरों की और घर बनाए थे इसलिए यही क्या हो गई थी स्थायी कृषि बने क्या बन गया घर। तो जो स्थायी कृषि है उसकी हम बात करें तो कौन कौन से क्षेत्रों में की जाती है उत्तरी पूर्वी भारत में मलेशिया इंडोनेशिया और सारे सारे स्थायी कृषि की जाती है। एक स्थान पर निश्चित रूप से मानव रुक गया वहां पर क्या कर रहा है कृषि कार्य कर रहा है क्या कहला रही है स्थायी कृषि क्या कहला रही है। तो रुका कौन सा स्थान जहां पर उसको आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके जैसे जल के स्रोत मिल जाए कृषि के लिए जब जल बहुत जरूरी है उपजाऊ मिट्टी मिल जाए तो उन क्षेत्रों में तो मानव जाके रुका है अधिक संख्या में नदी वगैरह वहां पर क्या है उपजाऊ मिट्टी भी मिल जाती है। अब आगे बढ़े जीवन तो जीवन निर्वाह कृषि दो एक चावल प्रदान और एक गेहूं एक चावल प्रदान एक गेहूं नाम से पता चल रहा है जिसमें चावल बोए जाते हैं चावल प्रदान जिसमें गेहूं बोए जाते हैं। चावल प्रदान कृषि की बात करें तो इसमें क्या है वर्षा की मात्रा 100 सेंटीमीटर से आगे। वैसे गेहूं के लिए क्या होती है 50 से 75 लेकिन आप ध्यान रखें कि यहां आप 100 लिख लो मतलब अधिक क्या लिख लो अधिक 100 से अधिक क्या होनी चाहिए चावल के लिए वर्षा होनी चाहिए वही गेहूं के लिए 100 से कम क्या होनी चाहिए वर्षा होनी चाहिए 100 से अधिक वर्षा होनी चाहिए और 100 से क्या होनी चाहिए कम वर्षा होनी चाहिए वो क्या होगी गेहूं। 100 से अधिक वर्षा हो रही है वो क्या हुई चावल प्रदान 100 से कम हो रही है वो क्या हुई गेहूं प्रदान। एग्जैक्ट लिख दिया आपको मेरे 50 से 75% क्या होनी चाहिए वर्षा होनी चाहिए इसके लिए गेहूं के लिए और चावल के लिए कितनी 100 सेंटीमीटर से ऊपर 100, 125, 150, 200 नुकसान कर देगा चावल ठीक है। तो 100 से अधिक और इधर 100 से कम 100 से कम गेहूं 100 से ज्यादा चावल क्लियर। आगे पहुंचते हैं इसके क्षेत्रों में तो क्षेत्र अब देखो आप चावल हमारे यहाँ पर भारत की बात करें सबसे ज्यादा चावल कहाँ हो रहा है पश्चिम बंगाल कहाँ हो रहा है पश्चिम बंगाल। अब पश्चिम बंगाल से हमको पता लग गया कि इसके क्षेत्र कहाँ होंगे लग गया पता कि भाई इसके क्षेत्र कहाँ होने चाहिए। तो देखो भारत भारत के बाद बांग्लादेश म्यांमार कंबोडिया कंबोडिया वियतनाम किसके होंगे चावल किसके होंगे चावल पता लग रहा आपको हमारे पश्चिम बंगाल में
पश्चिम बंगाल जो है चावल ही चावल बोया जाता है। तीन किस्म बोई जाती है, कौन सी? ओस, अमन। आप भी मान लगा ना हमारे साथ है ना, ओस अमन वो पूरी वर्ष क्या बोया जाता है? चावल बोया जाता है। सबसे अधिक मात्रा में चावल का उत्पादन होता है। आप उससे चिपके हो, भारत को आपने देखा है भारत को ऐसे इस तरह से, यहाँ पश्चिम बंगाल यही तो आ रहे हो, यहाँ पहुंचे, यहाँ पहले आ गए बांग्लादेश, आगे पहुंचे बांग्लादेश से जैसे आगे पहुंचे तो हम कहाँ पहुंच गए? म्यांमार पहुंच गए, और म्यांमार से वियतनाम, और वियतनाम के नीचे क्या है? कंबोडिया। तो एकदम क्षेत्र कैसे लगे आपको? तो आपको क्या चावल का नाम आते ही पश्चिम बंगाल तुरंत आपको याद आ जाएगा क्या है। क्लियर? पश्चिम बंगाल जान लेंगे, क्षेत्र बढ़ दोगे आप, चाहे मैप हो रेटिंग पर आपने नहीं रहेगा। पश्चिम बंगाल चावल के लिए, अब आ जाए गेहूं, गेहूं प्रदान के लिए वर्षा फिक्स कर दिया था कितनी, 50 से 75 सेंटीमीटर या सीधे बोल दो 100 सेंटीमीटर से कम। देखो भारत का उत्तरी भाग, अब भारत के हम ऊपर पहुंच गए, इस टॉप पर पहुंच गए। देखो ये भारत, ये टॉप पर पहुंच गया हम भारत, अब उत्तरी भाग में पहुंच गए। यहां क्या है अपना आजकल तो दुश्मन हो रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा है? चीन हो रहा है, किसको पहुंच गए अपन? चीन। और चीन जैसे ही पहुंचे हम, चीन जैसे ही हम पहुंचे तो उससे आगे अपन बढ़ेंगे चीन से। भाई भारत का कौन सा भाग हो रहा मैंने देखो आप, हाँ ये पूछो भारत का कौन सा भाग है? उत्तरी भाग। चीन का भी कौन सा हो गया? ऊपर वाला भाग, उत्तरी भाग। उसके बाद नीचे नहीं आ रहा, नीचे क्या हो जाएगा? वर्षा ज्यादा हो रही है क्योंकि ये हिमालय की श्रेणी आ रही है, और हिमालय श्रेणी ऐसे नीचे तक यूं जा रही है तो यहाँ वर्षा होगी, और जब वर्षा होगी तो गेहूं पैदा नहीं होगा, और गेहूं पैदा नहीं होगा तो कहाँ होगा? ऊपर पैदा होगा। भाई नीचे नहीं होगा तो ऊपर पैदा होगा, और ऊपर पैदा क्या हो रहा है? चीन कोरिया के चक्र से होंगे गेहूं। क्लियर? डाउट कोई नहीं ना? अब कहीं भी समस्या है ठीक है, बाकी प्रोसेस ये कर रहे हैं कि आपको समस्या नहीं आए, और समस्या हो तो आप डाउट क्लास में और ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट।